Let's do question number 31 of exercise 4E, that is quadratic equation. Question number 31 is, in a class test hua, the sum of Kamal's marks in mathematics and English is 40. Mathematics or English ke marks ka sum Kamal ke 40 aya. Had he got 3 marks more in mathematics and 4 marks less in English, the product of the marks would have been 360. अगर उसके मार्क्स मैथमेटिक्स में 3 मार्क्स ज़्यादा और 4 मार्क्स इंग्लिश में कम आते तो उन दोनों का मार्क्स का प्रोडक्ट होता 360. फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स सेपरेटली. तो हमें मार्क्स निकालने दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स के. तो हमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स नहीं पता हैं तो हम उनको लेट कर लेते हैं. लेट मार्क्स in English, in mathematics, is X and English B, Y. कि math में marks X हैं मान लेते हैं और English में Y हैं. अब वो कह रहे हैं इन दोनों का sum हमारा कितना था. देखिए question में कितना कह रहा है, 40 था हमारा, हो गया 40. और क्या कह रहा है, एक चीज और कह रहा था कि मैथ्स में 3 मार्क्स इंक्रीज हो जाए. तो मैथ्स में 3 मार्क्स इंक्रीज हो गए तो x plus 3 हो गया. और इंग्लिश में वो कह रहा था 4 मार्क्स डिक्रीज हो जाए, इंग्लिश के 4 मार्क्स डिक्रीज हो जाए तो y में से 4 डिक्रीज हो. तो इन दोनों का प्रोडक्ट दैट मींस x plus 3 एंड y माइनस 4 दोनों मिला के कितना बैठेगा, 360. यही कह रहा था. देखिए एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन में. हैड ही गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 4 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 360. यही बोला है उसने. और हमें दोनों इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स निकालने तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. तो आप देखिए ये हमारी इक्वेशन आ गई. तो यहाँ से या तो x की या y की वैल्यू कोई सी भी ले सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे से y की वैल्यू निकाल ली 40 माइनस x. तो y आ गया हमारा 40 माइनस x. अब इस 40 माइनस x को y की जगह रख देंगे तो ये आ गया x प्लस 3 और 40 माइनस x माइनस 4 equals to 360. तो आप इसको क्या कह सकते थे, let the mathematics marks be x और English के marks क्या हो जाते, 40 minus x हो जाते. कैसे भी कर सकते हैं, ये समझाने के लिए किया है, आप ऐसे भी करके आ सकते हैं. तो ये देखिए ये क्या आ गया, x plus 3. अब 40 में से 4 minus हो जाएंगे क्योंकि 4 minus का है 40 plus का है. तो ये आ गया 36 minus x equals to 360. अब मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट्स ओपन करके. तो x की मल्टीप्लाई 36 माइनस x में और प्लस 3 की मल्टीप्लाई फिर से 36 माइनस x में. तो ये आ गया 360. ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो ये आया 36x माइनस x इंटू x इज x स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3. 36 इज 18 कैरी 133 इज 9 एंड 10 माइनस 3x इक्वल्स टू 360. तो ये आ गया माइनस का x स्क्वायर प्लस का x की वैल्यू आएगी बड़ी क्योंकि देखिए यहाँ प्लस की है या माइनस की है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो ये आ गया 33x प्लस 108 इक्वल्स टू 360. अब मैं यहाँ पे क्योंकि x स्क्वायर माइनस का है सारी वैल्यूज उधर लेके जा रही हूँ तो ये आ गया 0 इक्वल्स टू 360 प्लस x स्क्वायर 33x माइनस का हो जाएगा, यस माइनस का 33x और माइनस का ही 108, राइट. तो ये कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 33x. अब ये देखिए 360 प्लस का है और 108 माइनस का, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, साइन बड़े वाले का लग गया. तो 10 में से 8 गया 2, 5 एंड 3 में से 1 गया 2 इक्वल्स टू 0 गया. अब 252 इंटू एक्स स्क्वायर इज 252 एक्स स्क्वायर, इसके ऐसे दो फैक्टर्स प्लस माइनस करके 33x आए. तो
252 लिखते हैं, फैक्टर्स करते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, अगेन 2, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 से करेंगे 3, 2s are 6 एंड 3 1s are 3, अगेन 3 से 3 7s are 21. तो फैक्टर्स क्या क्या बन गए देखिए, 7 3s are 21 एंड 3 4s are 12, तो 21 और 12 इज 33. तो हमने किया 21x और 12x ऐड होंगे तो दोनों का सेम साइन जो मिडिल टर्म का है दैट इज माइनस लग जाएगा. तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 12x प्लस 252 इक्वल्स टू 0. तो x कॉमन आ गया तो ये कितना बच गया, x माइनस 21 और माइनस 12 कॉमन आ गया तो x साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन है, इक्वल्स टू 0. तो ये आ गया x माइनस 21 एंड x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 21 इक्वल्स टू 0, तो x आ गई 21 और x माइनस 12 को 0 के इक्वल रखा तो x आ गया 12. तो अगर x 12 है या 21 है तो y कितना आएगा, देखिए y था 40 माइनस x, तो y आ गया 40 माइनस 21 दैट इज 9, 10 3 में 19 आ गया. और अगर x 12 है तो y कितना आ गया, 40 माइनस 12 दैट इज 8 एंड 3 में से 1 गया 2. तो इसका मतलब मार्क्स कितना है, अगर या तो मैथ्स में हमारे 21 है तो इंग्लिश में आएंगे 19, और अगर मैथ्स में आए हमारे 12 मार्क्स तो इंग्लिश में आए हमारे 28 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 32 इज सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक. कुछ स्टूडेंट्स ने पिकनिक का प्लान किया. द टोटल बजट फॉर फूड वॉज 2000. पिकनिक में फूड का बजट 2000 रुपीज था, बट 5 स्टूडेंट्स फेल टू अटेंड द पिकनिक. लेकिन उसमें से 5 स्टूडेंट्स पिकनिक पे नहीं गए, एंड दस द कॉस्ट ऑफ द फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाय रुपीज. And thus the cost for food for each member increased by rupees 20. जिसकी वजह से 5 members के ना जाने की वजह से cost food की cost each member increased हो गए 20 rupees से. How many students attended the picnic? कितने students ने attend किया picnic? And how did each student pay for the food? और कितना उन्होंने food के लिए pay किया वो निकालना है. तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता है पिकनिक में कितने जा रहे थे पहले, तो हमने माना लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, एक्स है. अब वो कह रहा है कि 5 स्टूडेंट नहीं जा पाए और टोटल बजट था 2000 रुपीज. 2000 रुपीस में का बजट था जिसमें से x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जाने थे लेकिन उसमें से 5 स्टूडेंट्स नहीं जा पाए. तो जो 2000 का बजट था x स्टूडेंट्स के लिए, अगर हमारा जितने 5 स्टूडेंट नहीं जा रहे थे उसमें से अगर 2000 जितना हर एक स्टूडेंट के हिस्से में आ रहा था बजट, वो माइनस करेंगे तो हमें पता चला कि 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे थे हर एक स्टूडेंट को. फिर से बता रही हूँ, हमारा टोटल बजट था 2000 का, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले जा रहे थे लेकिन उसमें से 5 स्टूडेंट्स नहीं जा पाए तो एक्स माइनस 5 हो गया. तो हमारे जो स्टूडेंट्स नहीं जा रहे थे उसका जो पर स्टूडेंट आया उसमें से अगर हम पहले जो हर एक स्टूडेंट पे कर रहा था, मान लीजिए हमारा 100 रुपये का बजट था 5 जनों का, तो 20-20 रुपये हर एक के केस में आए. लेकिन अब 5 जने न जाके एक स्टूडेंट नहीं जा पाया तो 100 रुपीज़ अब हमारे 4 स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुए. तो अब हर एक स्टूडेंट को 25 देना था. तो हमें ये पता चला कि
₹5 हर एक स्टूडेंट को ज़्यादा देने। तो कैसे पता चलेगा ₹5 हर एक स्टूडेंट को देने? जितने चार पे कर रहे थे उसमें से हमने जितने पाँच पे कर रहे थे वो माइनस करे तो हमारा अमाउंट आ गया कि हमें कितने रुपीस पर स्टूडेंट देना है, राइट। तो यही हमने यहाँ किया, जितने लोग नहीं जा रहे थे उतना जो पर शेयर आया उसमें से जो पहले पाँच स्टूडेंट जा रहे थे उस जो शेयर आया था उनका जो शेयर आया था वो माइनस करके देखा तो हमारा ₹20 आया, राइट। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए x और x माइनस फाइव हमारा LCM हो गया, तो 2000 की मल्टीप्लिकेशन x में माइनस 2000 की मल्टीप्लिकेशन x माइनस फाइव में इक्वल्स टू 20 हो गया। ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो ये आ गया 2000x माइनस 2000x माइनस माइनस प्लस 10,000 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 20। अब देखिए 2000x एक प्लस का था एक माइनस का था, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10,000 इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x उधर चला गया इक्वल टू के, तो 20 की मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x में, तो ये कितना आ गया 10,000 इक्वल्स टू 20x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 20 दैट इज 100x, राइट। अब 10,000 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले आएंगे तो ये आ गया 0 इक्वल्स टू 20x स्क्वायर माइनस 100x, 10,000 भी माइनस का हो गया। अब देखिए पूरी इक्वेशन हमारी 20 से डिवाइड हो रही है, कैसे पता चला? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 20 है तो हमने उसको पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20 से डिवाइड किया तो 5 आया एक्स, माइनस इसको 20 से डिवाइड किया 10,000 को तो ये आ गया 500 इक्वल्स टू 0 ये आ गया। अब 500 की मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर में तो ये आ गया 500 एक्स स्क्वायर माइनस का, इसके ऐसे दो फैक्टर्स प्लस माइनस करके 5x है, तो 500 के हमने फैक्टर्स निकाले तो देखिए 2 इंटू 250 इज 500, 2 से गया तो 125 आया, अगेन 5 से गया तो 25 एंड 5 ज़ा राइट। तो देखिए क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, 2 2s are 4, 4 5s are 20 and 5 5s are 25, तो 25 into 20 यस यही बन सकता है, तो हमने लिख लिया 25 एंड 20x। अब बड़ा वाला माइनस का होगा दूसरा वाला प्लस का होगा क्योंकि आपस में माइनस करने हैं तो ऑपोजिट साइन होंगे दोनों के, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 20x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन आया तो एक्स माइनस 25 बच गया, प्लस 20 कॉमन आया तो फिर से एक्स माइनस 25 बच गया इक्वल्स टू 0। तो एक्स माइनस 25 कॉमन आया तो कितना बच गया एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू निकाली तो एक्स माइनस 25 इक्वल्स टू 0 आया, तो एक्स आया हमारा 25 और x प्लस 20 को 0 के इक्वल रखा तो x आई हमारी माइनस 20। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो अब हमारे को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जो कि पिकनिक पे गए थे। हमारी x वैल्यू आई है 25, तो मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे जो पिकनिक पे गए थे। हमने x उन नंबर्स को माना था जो कि पहले पिकनिक पे जा रहे थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स went for picnic equals to that is 25 आ रहे, उसमें से हमारे 5 students picnic पे नहीं गए थे, तो कितने आ गए हमारे students, 20 students picnic पे गए, right। अब हमें एक चीज़ और निकालनी थी, वो क्या थी, वो थी How did each student pay for the food? कितना एक student ने pay किया food के लिए? तो देखिए हमें पता चला था question में कि 20
ईच स्टूडेंट पे हो रहा है फूड का, राइट? तो ईच स्टूडेंट पेड फॉर पिकनिक, फॉर पिकनिक कैसे निकालेंगे? देखिए, टोटल बजट जो था हमारा, टोटल बजट को हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गए थे उससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेंट फॉर पिकनिक। तो ये कितना आया? बजट था हमारा 2000 रुपीज टोटल, और हमारे स्टूडेंट्स गए 20, तो ये कितना आ गया? दैट इज 100। तो 100 रुपीज ईच स्टूडेंट हमने पिकनिक पे हर एक बच्चे से लिए। आंसर